वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। आज हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में खुशियों का जश्न लेकर आने वाली है। जी हाँ, वो समय आ गया है जब आपको घर घर जाकर मिठाई बांटनी पड़ेगी, और वो भी 500 किलो मिठाई। नागा साधु की भविष्यवाणी को सुनने के बाद आप अपनी खुशियों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आज का यह संदेश आपके जीवन में नए दरवाजे खोलेगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह शुभ संदेश पसंद आता है तो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण संदेश मिलते रहें। अब हम बात करते हैं उस विशेष घटना की जो आपके जीवन में आ रही है। नागा साधु ने यह कहा है कि ऐसा समय बहुत कम आता है जब आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपको अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। नागा साधु कहते हैं कि आने वाले समय में आपके घर पर इतनी खुशियां बरसने वाली हैं कि आपको सच में मिठाई बांटनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि यदि यह बात गलत होती है तो वे अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा देंगे। दोस्तों, यह बात आपको शायद अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह बात सत्य है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है जो आपके सारे कष्टों को दूर करेगा, चाहे वो आपके व्यवसाय से संबंधित हो, आपके परिवार से संबंधित हो, या फिर आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो। ये समय है जब आपके भाग्य के सभी सितारे अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचेंगे और आपको इतनी संपत्ति, सम्मान और खुशियां मिलेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा कौन सा खास कारण है जो इस समय को इतना शुभ और अनोखा बना रहा है। यह समय उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमेशा मेहनत की है, अपने कर्मों में विश्वास रखा है और भगवान में आस्था बनाए रखी है। अगर आपने भी अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण के साथ मेहनत की है तो अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपको आपके सभी अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि इस समय आपके जीवन में कौन कौन सी बातें बदलने वाली हैं। नागा साधु की भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले आपके वित्तीय स्थिति में एक बड़ा सुधार होगा। जो लोग धन की तंगी महसूस कर रहे थे, उन्हें अब इतना धन मिलेगा कि वे अपने सारे कर्ज चुकता कर सकेंगे और एक नया जीवन शुरू कर सकेंगे। आपके व्यवसाय में भी एक नया दौर शुरू होगा जहां आप उन्नति की ओर बढ़ेंगे और आपको अपार लाभ होगा। प्यारे दोस्तों, यह समय है जब आपको अपने परिवार के साथ मिलकर इन खुशियों को बांटना है, क्योंकि जब खुशियां आती हैं तो उन्हें बांटने से वे दोगुनी हो जाती हैं। इसलिए नागा साधु कहते हैं कि आपको 500 किलो मिठाई बांटनी चाहिए। यह सिर्फ एक संकेत नहीं है, बल्कि यह उस अपार खुशी का प्रतीक है जो आपके जीवन में आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस शुभ अवसर का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी किस्मत को बदलते देखना चाहते हैं तो अभी से अपने दिल में एक छोटा सा संकल्प करें, भगवान पर विश्वास रखें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। अगर आपको यह शुभ संदेश पसंद आ रहा है तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही शुभ संदेश मिलते रहें। अब बात करते हैं कि आप इस समय का कैसे फायदा उठा सकते हैं और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने सभी पुराने ऋणों से मुक्त होना चाहिए। यदि आपने किसी से उधार लिया है तो उसे जल्द से जल्द चुकता कर दें, क्योंकि जब आप अपने सभी बकाया ऋणों से मुक्त हो जाएंगे तभी आप नए अवसरों का स्वागत कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में होता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। अपने सभी बुरे विचारों को त्याग दें और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएं। तीसरी बात, इस समय आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर अपनी खुशियों को बांटना चाहिए। जब हम खुशियों को बांटते हैं तो वे बढ़ जाती हैं और हमें और अधिक खुशी का अनुभव होता है, इसलिए अपनी खुशियों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटें और उन्हें भी इस शुभ अवसर का हिस्सा बनाएं। चौथी बात,
आपको अपने काम में और अधिक मेहनत और समर्पण के साथ जुटना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं तो उसकी खुशी दुगनी होती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस समय आपको कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का यह सिलसिला निरंतर बना रहे। जैसा कि नागा साधु ने कहा है, यह समय आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहा है, परंतु आपको इन परिवर्तनों का स्वागत करना आना चाहिए और साथ ही कुछ ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिनसे यह शुभ समय आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहे। पहला उपाय है नियमित रूप से भगवान का ध्यान करना और उनके चरणों में अपनी आस्था बनाए रखना। भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास आपके जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। रोज सुबह उठकर भगवान का ध्यान करें और उनके आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत करें। इससे आपके मन और मस्तिष्क में शांति बनी रहेगी और आप अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा उपाय, आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, मेहनत का रास्ता कभी ना छोड़ें। भगवान उन लोगों का साथ देते हैं जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं, इसलिए अपनी मेहनत में कोई कमी ना आने दें और ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करें। यही आपके जीवन में उन्नति का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तीसरा उपाय है दान पुण्य करना। जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह और बढ़ जाती है, इसलिए इस शुभ समय में आपको अपनी क्षमतानुसार दान करना चाहिए। यह दान किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह अन्न दान हो, वस्त्र दान हो या फिर किसी गरीब की सहायता करना। दान करने से हमारे पापों का नाश होता है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। चौथा उपाय, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। इसके लिए आपको अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी नियमित देखभाल करें। घर में रोज दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाकर वातावरण को सुगंधित बनाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। पांचवा उपाय है अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना। उनकी सेवा और आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को दूर कर सकता है। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है और उनके आशीर्वाद से ही हमें भगवान का साक्षात्कार होता है, इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। दोस्तों इन उपायों को अपनाकर आप इस शुभ समय का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर सकते हैं। जैसा कि नागा साधु ने कहा है, आपके जीवन में इतनी खुशियां आने वाली हैं कि आपको सच में 500 किलो मिठाई बांटनी पड़ेगी। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे पहचानकर इसका स्वागत करना चाहिए। अगर आपको यह संदेश पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही शुभ संदेश प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जिनमें आपको इस समय विशेष लाभ होने वाला है। सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यवसाय में अप्रत्याशित उन्नति होगी। नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और आप अपने सभी सपनों को पूरा करने में सक्षम होंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर मिलेंगे। आपके वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको नए प्रोजेक्ट्स में शामिल होने के मौके मिलेंगे। दूसरे, आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख और शांति का वातावरण बनेगा। परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी। कोई भी मतभेद या विवाद समाप्त हो जाएंगे और परिवार में एकता का माहौल बनेगा। यह समय है जब आप अपने परिवार के साथ मिलकर इन खुशियों का जश्न मनाएं और एक साथ समय बिताएं। तीसरे, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यदि आप किसी बीमारी या शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं तो अब आपको राहत मिलेगी। भगवान के आशीर्वाद से आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और आप फिर से ऊर्जा और जोश से भरपूर महसूस करेंगे। यह समय है जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित रूप से योग और ध्यान करें। चौथे, आपके प्रेम जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। यदि आप अपने साथी के साथ किसी प्रकार के मतभेद से गुजर रहे हैं तो अब वह समाप्त हो जाएंगे।
आपके रिश्ते में प्रेम और विश्वास की भावना बढ़ेगी और आप एक दूसरे के और भी करीब आएंगे। यह समय है जब आप अपने साथी के साथ मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करें। प्यारे दोस्तों, यह समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय है। नागा साधु की भविष्यवाणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपके जीवन में अब खुशियों की बरसात होने वाली है। आपको बस भगवान पर विश्वास रखना है, अपने कर्मों को ईमानदारी से करना है और ऊपर बताए गए उपायों का पालन करना है। अगर आपको हमारा यह संदेश पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे सभी नए संदेश मिलते रहें। आपके जीवन में अब जो घटना होने वाला है सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। यह घटना आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों आपको बता दें, अब आपके जीवन में यह 5 बाद गुड न्यूज देखने को मिलेगा। साथ दोस्तों 5 बड़ा सरप्राइज भी आपको मिलेगा, मतलब एक साथ आपको 10 बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसा बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगले 24 घंटे तक आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करना है जो आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें, कभी कभार जाने अनजाने में हम लोगों से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो गलती हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसी गलती जाने अनजाने में भी आपसे हो जाता है तो इसका सजा आपको भोगना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां होता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो दोस्तों कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है इसके बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका कुंडली में एक साथ 3 बड़े योग का निर्माण हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपका कुंडली में कार्य सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और 2 राज्य योग बन चुका है। इसलिए दोस्तों अब आपको संसार की सारी खुशी मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, पिछले समय अवधि में आप जितना ज्यादा दुख तकलीफ झेले हैं उतना ही ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होने वाला है, उतना ही ज्यादा अब आपको फल की प्राप्ति होगा। दोस्तों आपको बता दें, पिछले 12 सालों से आप अपने जीवन में जो कष्ट झेले हैं उसका परिणाम कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है कि आपका घर पैसों से भर जाएगा। आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, आपको पैसा गिनती करने वाला मशीन खरीदना पड़ेगा, इतना ज्यादा आपके पास धन दौलत रुपया पैसा होगा। 7 जन्मों की खुशखबरी एक बार में आपको मिलने वाला है। 7 जन्मों में जो खुशखबरी आपको नहीं मिला है वह खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको यह बात पता है कि आप अपने जीवन में जो परेशानी झेल रहे हैं इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि किस वजह से आपके जीवन में इतनी सारी परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी विस्तार से मिलेगा कि किस वजह से आपको इतना ज्यादा परेशानी हो रहा है, कौन सी गलती आप किए हैं जिसके कारण आपके जीवन में इतना ज्यादा कष्ट चल रहा है। तो दो दोस्तों आपको बता दें, ये 2 बड़ी गलती आप अपने जीवन में हमेशा करते आ रहे हैं जिसके कारण आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहे, जिसके कारण आप सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहले और बड़ी जो गलती कर रहे हैं वह बहुत गंभीर विषय की बात है। दोस्तों आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि मंगलवार के दिन मीट मछली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन मीट मछली का सेवन करता है उस व्यक्ति के साथ प्रभु श्री राम जी कभी चमत्कार नहीं करते हैं, प्रभु श्री राम जी उसके ऊपर कभी मेहरबान नहीं होते, जिस वजह से ऐसे लोगों के साथ महाबली हनुमान जी भी नहीं रहते हैं, जिस वजह से दोस्तों ऐसे लोगों के जीवन में 7.5 प्रवेश कर जाता है। और यह बात तो आपको पता ही होगा, जब किसी व्यक्ति के जीवन में 7.5 प्रवेश कर जाता है तो उनका जीवन में बहुत सारी कष्ट आने लगते हैं, उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियां देखने को मिलने लगता है। इसलिए दोस्तों मंगलवार के दिन मीट मछली का सेवन ना करें। और दूसरी गलती जो आपको नहीं करना है उसे जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।
और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाए। ऐसा करने से प्रभु श्री राम के आशीर्वाद आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा, आपका कष्ट प्रभु श्री राम का भक्त महाबली हनुमान जी दूर कर देंगे। दोस्तों, दूसरी गलती जो आपको नहीं करना है, दोस्तों बहुत सारे लोग शराब का सेवन करते हैं और घर पर आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने मुंह से गलत गलत शब्द निकालते हैं जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और रूठ करके दूसरे के घर चली जाती है। तो दोस्तों आपको बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं तो शराब का सेवन करना बंद कर दें, आपका जिंदगी बदल जाएगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों, बहुत खतरनाक घटना आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक नया साजिश रचा जा रहा है। दोस्तों समय रहते सावधान हो जाइए, नहीं तो आपका पूरा घर बर्बाद करके रख देगा, आपका घर को क्षण बनाकर रख देगा। दोस्तों समय बहुत कम है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा। समय रहते सावधान हो जाइए, अगर जान प्यारी है तो बात मान लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो को थोड़ा भी नजरअंदाज मत करना, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा, खून का आंसू बहाओगे, लेकिन इसका कोई प्रॉफिट आपको नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें, एक मर्द काम करके कभी भी परेशान नहीं होता है, चाहे उससे कितना भी काम कर लो, कुछ भी करवा लो, मजदूरी करवा लो, किसानी करवा लो, जो मर्जी काम करवा लो, लेकिन मर्द कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि एक मर्द के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, माँ बाप की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, इन सभी का जिम्मेदारी एक मर्द पर होता है और एक मर्द अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपना परिवार का ख्याल रखने के लिए, अपना परिवार को खुश रखने के लिए एक मर्द मौत से भी लड़ सकता है, लेकिन अपने परिवार के लिए मेहनत करना बंद नहीं करेगा। और यही एक कारण है कि एक मर्द कभी काम से परेशान नहीं होता है और दिन रात मेहनत करता है धन कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों कभी कभी जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आ जाता है कि आप कितना भी मेहनत कर लो लेकिन आप अपने परिवार को खुश नहीं रख पाते हैं, अपना परिवार को अच्छा जीवन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से धन की प्राप्ति ही नहीं होता है, उस हिसाब से कमाई नहीं हो पाता है, जितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार कामयाबी नहीं मिलता है। आखिर ही ऐसा क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से हमारे जीवन में ऐसी परेशानी देखने को मिलता है, ऐसा कौन सी गलती हमसे हो जाता है जो जीवन में इतना ज्यादा परेशानी देखने को मिलता है, क्या किसी ने जादू टोना करके हमारा किस्मत को बांध रखा है या फिर किसी ने जादू टोना करके हमारा धन दौलत को बांध रखा है या फिर किसी ने कुल देवी देवता को ही बांध रखा है जो मेहनत के अनुसार कामयाबी नहीं मिल पाता है। आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों आपको बता दें, आपका कुंडली में जो लिखा है वह आपको हर हाल में मिलकर रहेगा और वह भी अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाला है। वैसे तो आपको अगले 24 घंटे के अंदर जो खुशखबरी मिलने वाला है, यह खुशखबरी आपको बहुत पहले मिल गया रहता और आप कामयाब हो गए रहते, लेकिन दोस्तों आपका कुछ दुश्मन है जो आपको कामयाब होने से रोक रहा है, आपका कुछ ऐसा दुश्मन है जो आपको कामयाब नहीं होने दे रहा है। आप कामयाबी की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपका दुश्मन आपके ऊपर जादू टोना करके आपको कामयाब होने से रोक देता है, जिस वजह से आप अभी तक आप कामयाब नहीं हो पाए हैं। यहां तक कि आपका एक दुश्मन ऐसा भी है जिसने आपका किस्मत को ही बांध रखा है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं
कुछ ऐसा खास बातें बताने वाले जिसे जानकर आप अपना जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, जीवन में चाहे कुछ भी हो, परंतु अपने दुश्मन से हम हमेशा सावधान रहना, अपने दुश्मन से हमेशा दूर ही रहना, वरना आपका दुश्मन तो बर्बाद होगा ही, लेकिन आपका भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, जो दूसरों को बर्बाद करना चाहता है वह खुद भी बर्बाद होता है। लेकिन परेशानी यहां आ जाती है, जैसे कि आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, आप किसी को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है। इस केस में होता यह है कि आपका दुश्मन का भी जिंद बर्बाद होता है और आपका भी जिंदगी बर्बाद होता है, जिस वजह से ज्यादा परेशानी और कष्ट आपको होता है, क्योंकि आपको अपने परिवार का चिंता है। आप अपना परिवार को खुश देखना चाहते हैं, आप अपना परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं, लेकिन आपका दुश्मन का क्या? उसे तो सिर्फ दूसरों का जिंदगी में आग लगाना होता है। ऐसे में दोस्तों, जितना ज्यादा आप दुश्मन से सावधान रहेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आप अपना दुश्मन कैसे पहचान कर सकते हैं? आखिर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और कहां रहता है? इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों, आपका जो दुश्मन है, उस व्यक्ति का नाम आर अक्षर से शुरू होता है और यह व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है। यह व्यक्ति आपका पहचान का है। आप इसे बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन आप इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं कि यह व्यक्ति आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ, यह व्यक्ति आपका घर बर्बाद करना चाहता है। इस बात से आप पूरी तरह से अनजान हैं दोस्तों। यही वह व्यक्ति है जिस वजह से आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कलयुग में सतयुग की खुशखबरी आपको मिलने वाला है, इसलिए ढोल और नगाड़ा दोनों बजवाना पड़ेगा। साथ में दोस्तों, पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बंटवा पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, आज जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, इस खुशखबरी के लिए हजारों सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं। हजारों सालों से साधु संत ऐसी खुशखबरी प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसी खुशखबरी आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है, जो खुशखबरी आज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, सतयुग में जैसे लोग बहुत शक्तिशाली होते, लोग जो चाहते थे, सतयुग में वह सभी चीजें एक झटके में अपने पास ले आते थे, वैसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति प्रवेश करने वाला है, आपके अंदर एक ऐसी देवी प्रवेश करेगी कि आप बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे और आप जो चीज प्राप्त करना चाहेंगे वह चीज आप एक झटके में प्राप्त कर लेंगे। आपके पास हर वह चीज होगा जो आप प्राप्त करना चाहेंगे। दोस्तों, इस शक्ति का उपयोग करके आप अपना गांव मोहल्ले का भी किस्मत बदल सकते हैं और आप अपने मोहल्ले का राजा बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा शक्ति अब आपको मिलने वाला है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो यह शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है। आखिर दोस्तों, ये देवी शक्ति आपके अंदर क्यों प्रवेश करना चाहती है? आखिर ये देवी शक्ति आपको क्यों करोड़पति बनना चाहता है? आखिर यह देवी शक्ति आपसे क्या चाहती है जो यह देवी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में बिना कोच किए सच्चे श्रद्धा भाव से जय मां लक्ष्मी, जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, यह देवी शक्ति आपके अंदर इसलिए प्रवेश कर रही है क्योंकि आप पिछले जन्म में बहुत अच्छा कार्य किए थे। आप पिछले जन्म में बहुत ज्यादा लोगों का मदद किए थे। पिछले जन्म में आप बहुत ज्यादा गौ माता का सेव किए थे। इसलिए दोस्तों, ये देवी शक्ति आपके अंदर प्रवेश करना चाहती है और आपके हाथों लोगों का सेवा करवाना चाहती है। दोस्तों, ये देवी शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी, उसके बाद आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। इस देवी शक्ति की कृपा से आपके पास धन दौलत, गाड़ी, बंगला, हीरा मोती, सोना चांदी सब कुछ होगा। लेकिन दोस्तों, आपको निस्वार्थ भाव से लोगों का मदद करना होगा। लोगों का आप जितना ज्यादा मदद करेंगे, आपके पास उतना ही ज्यादा धन दौलत आएगा, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, आपको बता दें, यह देवी शक्ति कोई और नहीं, धन की देवी माता लक्ष्मी है। और यह बात तो आपको पता ही होगा, जब किसी व्यक्ति पर धन की देवी माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है। अब आपका भी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आपका किस्मत चमकने लगेगा।
इसीलिए दोस्तों हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि ढोल और नगाड़ा दोनों बजाकर नाचना पड़ेगा और पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बांधना पड़ेगा, पूरे गांव मोहल्ले के लोगों का मुंह मीठा करना होगा। इसलिए दोस्तों मिठाई का ऑर्डर दे दो। सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपको यह खुशखबरी मिलने वाला है कि आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं और अब आप जो चाहे एक झटके में प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस व्यक्ति को चाह लेंगे उसे आप करोड़पति बना देंगे। इतनी बड़ी शक्ति आपके हाथ में आने वाला है। इस देवी की कृपा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों सब कोई आपका चमत्कार देखकर हैरान रह जाएंगे, सब कोई हक्का बक्का रह जाएगा। इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो। आपकी किस्मत फिर से एक बार बदलने जा रहा है। फिर से आपको सारा सुख सुविधा मिलने वाला है। फिर से आपका जीवन में एक नया परिवर्तन आने वाला है और अपने मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके जैसा किस्मत वाला होगा। आप बहुत किस्मत वाले हैं और यह चीज आपको अगले 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। अगले 24 घंटे के अंदर इस चीज का आपको अभ्यास हो जाएगा कि आपके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों हमेशा मैं आप लोगों से ही कहता हूं कि अच्छा कार्य करते रहिए। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, उसके ऊपर सभी देवी देवताओं का कृपा होता है और उसका एक दिन ऐसा किस्मत पलट है कि देखने वाला देखते ही रह जाता है। और ऐसा ही अब आपके के साथ हो रहा है। अब आप अपने आंखों से देखेंगे आपका किस्मत एक झटके में कैसे बदलता है। यह आप अपने आंखों से खुद देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ईश्वर आखिर आपका क्यों नहीं सुनता है, क्यों आपसे ईश्वर नाराज है, किस वजह से आपको इतना ज्यादा दुख तकलीफ झेलना पड़ रहा है, आखिर क्यों रुला रही है, आपकी किस्मत कौन सा पापों का सजा आपको मिल रहा है, आपने ऐसी कौन सी गलती की है जो आपको यह सजा मिल रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, आप अपने जीवन में यह तीन गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से सभी देवी देवता आपसे नाराज हैं, जिस वजह से सभी देवी देवता आपसे क्रोधित हैं और यही कारण है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही कारण है कि आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आपको कामयाबी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर इस गलती को आप सुधार लेते हैं तो आपका किस्मत चमक उठेगा, एक झटके में आपका किस्मत बदल जाएगा। दोस्तों छठे स्थान से सातवें स्थान पर आपका किस्मत का जलवा देखने को मिलेगा, आपका जलवा सारा दुनिया देखेगा। ऐसा बड़ा भयंकर बदलाव आपके जीवन में दोस्तों जान के लिए आपको बता दें, चाहे कुछ भी हो जाए परंतु आज इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लेना। अगर अपना किस्मत बदलना चाहते हो, अगर अपना किस्मत चमकाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा, तभी जो है दोस्तों आपका किस्मत में बदलाव देखने को मिलेगा, तभी जो है दोस्तों आपका जीवन में परिवर्तन होगा। दोस्तों आपको बता दें आज इस वीडियो के माध्यम से जो भविष्यवाणी हम करने वाले हैं ऐसा भविष्यवाणी आपके लिए आज तक कोई नहीं किया है, इसलिए आप अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं। अगर ऐसा भविष्यवाणी इससे पहले कोई आपके लिए किया रहता तो आज आप गरीबों में जीवन व्यतीत नहीं करते, आज आप करोड़ों का मालिक रहते, करोड़ों में आज आप खेलते, आपके पास हर वह चीज होता जिसके लिए आप कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप कई सालों से सपना देखते आ रहे हैं, वह सभी चीजें आपके पास होता, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आपको अभी तक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया है, जिस वजह से दोस्तों आप एकदम खाली हाथ रह गए हैं। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपका किस्मत चमकने वाला है क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप एक झटके में करोड़पति बन जाएंगे। आपके पास हर वह चीज होगा जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे। दोस्तों गाड़ी बंगला धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ आपके कदमों में होगा, ऐसा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। अब आपकी जिंदगी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, अब आपका जीवन पहले से हजार गुना तेज चमकने वाला है, इस बात का गांठ बांध लो। लेकिन दोस्तों
यह तीन गलतियां आज से ही करना बंद करना होगा, तभी जो है दोस्तों आपका जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आखिर वह कौन सी तीन गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, वह कौन सी गलतियां हैं जिस वजह से आपके जीवन में दरिद्रता छाई हुई है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मां दुर्गा की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां भवानी अवश्य लिखें। माता दुर्गा की कृपा से आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, माता दुर्गा की कृपा दृष्टि से आपको यह एक चीज मिलाने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह एक चीज आपको मिलकर रहेगा। इस चीज से आपका पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक चीज हीरे मोती से भी कीमती है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये एक चीज इतना कीमती है कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इस चीज से आप एक झटके में करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस चीज के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, इस चीज के बारे में किसी और व्यक्ति को कानों कानों खबर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, आखिर वह कौन सी चीज है जो आपको आज मिलने वाला है और आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि आपको यह तीन गलतियां आज से आपको नहीं करना है। नंबर एक, किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद कर विश्वास मत करना, क्योंकि दोस्तों अक्सर वही लोग आपको धोखा देता है जिस व्यक्ति पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, जिस व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। इसलिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। नंबर दो, आप देवी देवताओं पर विश्वास तो बहुत करते हैं, लेकिन आप जब भी देवी देवताओं कोई विश मांगते हैं, जब भी आप देवी देवताओं से कोई वरदान मांगते हैं, तो आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि यह चीज हमको मिलेगा या नहीं। तो आपको बता दें, ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप किसी देवी देवताओं से किसी भी प्रकार का कोई वरदान मांगते हैं और आप अपने मन में यह सोचने लगते हैं कि यह चीज देवी मां की आशीर्वाद से हमको मिलेगा या नहीं, तो इससे यह होता है कि आप देवी मां के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, देव मां की शक्ति का आप अपमान कर रहे हैं। इससे देवी मां आपसे क्रोधित हो जाती है और जो चीज आप देवी मां से मांगे रहते हैं वह चीज आपको नहीं मिलता है। तो ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप किसी देवी देवता से कोई वरदान मांगते हैं तो उसके ऊपर आपको पूरा विश्वास करना है। आप कभी ऐसा नहीं सोचा है, आपको कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं लाना है कि यह चीज आपको मिलेगा या नहीं। जो चीज आप देवी मां से मांग रहे हैं वह चीज आपको प्राप्त होगा या नहीं, इसके बारे में आपको कभी नहीं सोचना है। फिर देखना चमत्कार आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। नंबर तीन, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय अपनी वाणी में संयम रखें। कभी किसी से गलत व्यवहार ना करें, कभी भी अपनी वाणी से गलत शब्द ना निकालें। कभी भी आपको किसी बात पर तुरंत गुस्सा नहीं होना है और कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार उसके ऊपर अच्छे से विचार करें कि जो कदम हम उठाने जा रहे हैं वह कदम हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत हो सकता है, इसके बारे में जरूर सोच विचार करें। फिर देखना दोस्तों, आपका जीवन में जो परिवर्तन होगा उसे देखकर दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और आप अपने मोहल्ले का सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, 10 बड़ी इच्छाएं पूरी होगी, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखना और पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी और 5 बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है। दोस्तों खुशखबरी बहुत ही तूफानी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपका नाम का पर्चा बन चुका है और यह पर्चा बागेश्वर बाबा ने खुद बनाया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, खुद बागेश्वर बाबा ने अपने हाथों से यह पर्चा बनाया है। इसलिए दोस्तों यह पर्चा गलत नहीं हो सकता है। दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बड़ी अद्भुत घटना होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में एक ऐसा योग का निर्माण हो चुका है जिसके बारे में सुनकर आपका होश ठिकाने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों
अंत में होगा वही जो आप चाहते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में 3 महायोग का निर्माण हो चुका है। इसे मजाक समझने की गलती मत करना, वरना दोस्तों जिंदगी भर पछताते रहोगे, जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। यह बात लिखकर रख लो दोस्तों। आपको बता दें, मेरा भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर आधारित होता है, जो कि कभी गलत नहीं होता है। दोस्तों अब आपका जीवन का असली खेल शुरू होने वाला है, अब आपका जीवन में बड़ा टहलका मचने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, आपकी सुखी संसार उजड़ने वाला है, ऐसा भयानक घटना आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है।